नमस्कार, हम गोविन सिंह चौधरी, जिला सुनसरी, थारू पत्रकार संघ के तरफ से प्रतिनिधि के रूप में थारू सब के अपने संस्था थारू पत्रकार संघ के जते राष्ट्रीय महाधिवेशन चितवन के सौराहा में 20-21-22 गते आवे जा रहा से प्रतिनिधित्व करते एलन वह खातिर देखे वाला या सुने वाला संपूर्ण दर्शक सब के कार्यक्रम में वेलकम करते कुछ अपन धारणा सब राखे कोशिश करने खास करके थारू पत्रकार संघ के इतिहास देख ला जा 2066 साल में काठमांडू जिला में इस्टैब्लिश होने के बाद में लगभग नेपाल के 18 जिला में थारू पत्रकार संघ के गठन हेला अवस्था से और इटा गौरवमय इतिहास बोकल थारू पत्रकार संघ के जे अखने राष्ट्रीय अधिवेशन आबि रहल छै इटा अधिवेशन में लगभग 18 जिला के प्रतिनिधि एला अवस्था देखाय छै और इटा कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम हावे के कारण से थारू पत्रकार सब में एकटा उमंग हौसला के अवस्था देखाय छै। कार्यक्रम में नेपाल के कृषि तथा पशुपक्षी राज्य मंत्री राम कुमारी चौधरी के प्रमुख अतिथि रहल अवस्था छी, जनता बड़ा बढ़िया सीटा के मैनेजमेंट करल अवस्था भी देखाए छी आर संगे संगे जते थारू पत्रकार सब के एकटा नया रूपांतरण नया अभियान में जे प्रवेश करल किस खास करके राज्य के मूलधार में थारू पत्रकार सब के भी अहम भूमिका हावे साक्षी कह के ई हिसाब से जते आयोजना करल छी महाधिवेशन इटा महाधिवेशन के अपने मूल्य मान्यता अनुभव सब छी एकरा तथापि जते राष्ट्रीय महाधिवेशन के सवाल में कहल जा जन तो आयोजक के तरफ से बहुत बड़का एते एक हिसाब से चुनौती भी देखाए छी। इना चुनौती के हक में अगर कहल जा जन तो कुछ पत्रकार साथी सब के एक सलाह सुझाव भी रहला देखाए छी। जरिंग थारू पत्रकार संघ के इटा चौथो राष्ट्रीय अधिवेशन हावे जा रहा इटा अधिवेशन में भी सुधार करे वाला बात सब बहुत देखाए छी। कहल जा जन तो संभवतः थारू पत्रकार संघ के सुधार करे के अवस्था में एकर ऑफिशियल मैनेजमेंट अथवा संस्थागत विकास के बात सब एक मर छिक, दोसर में प्रशासनिक बात सब आर्थिक बात सब के भी इटा में थोड़ने हद तक जोड़ल अवस्था देखाए छी। संगे संगे जते अखने मॉडर्न एज में आधुनिक युग में आईटी के जमाना में नेपाल जते प्रवेश करल अवस्था देखाए छी, थारू पत्रकार संघ भी इटा अवसर के ग्रैप करल खोजी रहल छी। आर जहाँ तक एक दशक के इतिहास में देखल जा जन थारू पत्रकार संघ के जे एक मोटो रहे सिद्धांत रहे एक सिद्धांत में अड़ल अवस्था देखाए छी, तथापि सुधार करे के बात अगर करल जा जन संभवतः बहुत बात सब एहन सुधार करे वाला अवस्था छी, जन बहुत बात सब भी सकारात्मक रूप में देखा रहल छी। जरे कि थारू पत्रकार संघ के यदि बात करल जा जन अखने 18 जिला में मात्र केन्द्रित हेला अवस्था छी, तहने जाके थारू पत्रकार सब प्रोडक्शन करे के अथवा उत्पादन करे के जिम्मा जते थारू पत्रकार संघ केन्द्र कार्य समिति के रहे इटा से चूक हेला अवस्था देखाए छी। इटा थारू पत्रकार सब के संख्यात्मक हिसाब में उत्पादन संगे संगे एक क्वालिटी के भी बात उठ छे, वह खातिर थारू पत्रकार संघ क्वालिटी के संगे संगे आओ एक नया दिशा देवे लगना इटा मुलुक के नेतृत्व करे लगना स्वाभाविक रूप में थारू पत्रकार संघ सक्षम हेती कह के अनुमान लगाबे साक्षी हमरा से। तथापि आज 2076 साल भदौ 21 गते जते अखने थारू पत्रकार संघ के ओपनिंग सेशन शुरुआत हेती, तकर बाद बंद सेशन में प्रवेश करल के बाद में डेमोक्रेसी अभ्यास आवे के संभावना ज़्यादा देखाए छी। महज अग्रस्त थारू पत्रकार सब से कहना छी कि डेमोक्रेसी के अभ्यास संगे संगे एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में अथवा आम सहमति के आधार में आगू बढ़ावे प्रति जते लैया अनुहार सब भी लैया थारू पत्रकार सब भी सरी खावे साक्षी आर अपन दीर्घकालीन योजना सब समिटी के आम रूप में थारू पत्रकार सब एक थारू समाज में रहल होकर चाहे वो सांस्कृतिक रूपांतरण के बात करती या आध्यात्मिक रूपांतरण के बात करती या पॉलिटिकल चेंजेस के बात करती सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पॉलिटिकल चेंज के लागे भी खातिर भी थारू पत्रकार सब गोलबद्ध हावे के अवस्था देखाए छी। संभवतः इटा एक अभियान के रूप में देखाए छी। जहाँ तक थारू पत्रकार संघ के अगर बात करबी जान तो स्वाभाविक रूप में एक लैया इतिहास कायम करे लगना थारू पत्रकार संघ अखने लागल छी। आर जते अखने चुनौती के बात करबी जान तो नेपाल पत्रकार महासंघ जते एक नेपाल अधिराज्य भर में पत्रकार सब के छाता संगठन छै कि संगे संगे आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ जकरा फोनिज के नाम देल जाइ छै, इना संगे संगे भी सैद्धांतिक रूप में डिबेट करे लगना अपने कैपेसिटी बनाबे लगना पत्रकार थारू पत्रकार संघ सब के भी जोरदार मांग देखाए छी। खास करके जब तक सांगठनिक रूप में मजबूत नहीं हेती तब तक एक के आर गैर थारू पत्रकार साथी सब संगे फेस करे लगना चुनौती करे लगना अवसर पकड़े लगना
भी चुनौती के रूप में देखाती कहे कि स्पष्ट देखा संगे संगे राज्य के जते अखने मूल प्रवाहीकरण के जते बात उठ उन्हें तरह सरकार अथवा नेपाल के चौथो अंग के रूप में देखा पत्रकार साथी सब उटा के भित्री में भी थारू पत्रकार के अगर बात करबी जनता फरक थारू पत्रकार सब एकदम ऊर्जावानशील अवस्था में देखाए अथवा थारू पत्रकार बने लगना तब व्यावसायिक बनावे लगना पेशागत बनावे लगना थारू पत्रकार संघ केन्द्र कार्य समिति के अहम भूमिका भी देखाए वह खातिर राष्ट्र अधिवेशन के रूप में रहला चितवन के सौरा में इटा अधिवेशन के आम तमाम थारू पत्रकार सब के उपस्थित देखा चाहे वो लैया कैमने होक या सीनियर कैमने होक थारू पत्रकार सब के जमात देखा महजे देकर व्यवस्थापन के बात करबी जनता संभवतः सौना थारू पत्रकार सब के खातिर रह के बैठे के उठे के अथवा अन्य व्यवस्था भी करना ये खातिर संपूर्ण दर्शक सब के श्रोता सब के इटा के बारे में जानकारी करना एकदम खाँचा रहे इन जानकारी संगे संगे आबे वाला अब नेपाल सरकार के या कम या नेपाल सरकार के प्रचलित जना विधि से कानून से नीति निर्माण के सवाल से उड़ा में भी थारू पत्रकार संघ के भूमिका अहम हावे साक्षी कहे कि हमारा से एक निष्कर्ष में निकाले लगना चाहिए राज्य के रूपांतरण के सवाल में थारू जाते मात्र नहीं समग्र में गैर थारू के सवाल में भी थारू पत्रकार संघ आव आवाज उठाती या एक सकारात्मक रूप में लेती कहे कि हमारा से विश्वस्त छिन वह खातिर थारू पत्रकार साथी सब के एक बड़का माहौल हौसला एक हिसाब से पावन भी अला छी कहे कि हमारा सब विश्वास करना चाहछिन इत तक के लिए साथ दिला संपूर्ण दर्शक श्रोता सबके बहुत बहुत धन्यवाद देते हमें कार्यक्रम प्रस्तुता गमन विदाई छ थैंक यू वेरी मच जय थारू।